अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हम गाना सुनते हैं हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। गाना गाने और गाना सुनने के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। इसका पहला नुकसान ये है कि गाना सुनने से दिल में नफाक पैदा होता है, इंसान गैरतमंद नहीं रहता, इंसान अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल रहता है, इंसान अल्लाह पाक का ना शुक्रा बन जाता है। गाना गुनाह के लिए तावीज है। क्या आप जानते हैं कि गाना जहन्नम की बेहतरीन टिकट है। गाना दुनिया और आखिरत के अजाब का जरिया है। गाना इंसान से अल्लाह पाक का खौफ खत्म कर देता है। गाना सुनने वाले से फरिश्ते दूर, जबकि शयातीन और जिन उसके साथ रहते हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इंसान जिस हाल में मरता है उसी हाल में उठाया जाता है। तो अगर आप म्यूजिक लवर हैं, इमेजिन करें कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या गा रहे हैं और फिर इसी हालत में आपकी डेथ हो गई, तो फिर आपका क्या अंजाम होगा। फर्ज करें कि आपकी डेथ हो चुकी है, तो क्या आपको ये गवारा होगा कि कोई बंदा आपकी मैयत के पास खड़े होके गाना गाए। ओब्वियसली आपका जवाब ना में होगा। तो गाना सुनने की क्या जरूरत, क्या वजह। म्यूजिक सुनने से आखिर मिल ही क्या जाता है, कुछ देर के लिए लिज्जत और उम्र भर के लिए गुनाह और आखिरत में दोहरा अजाब। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि आप गानों को सुनना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप गाने सुनना बंद नहीं करेंगे तो आपके अंदर बुराई का खात्मा कोई नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू बायकॉट म्यूजिक।